सो इस फाइनली जो है ना होंडा CB300F का नया मॉडल लॉन्च कर दिया गया है। ये कल के दिन में लॉन्च किया था, वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है सो उसके लिए सॉरी। बाकी गाइस इस बाइक की जो प्राइस रखी है ना, मैं देख के यार हैरान हो गया। मतलब 170,000 प्राइस भाई, ये जो प्राइस होती है 150cc बाइक्स की होती है, लेकिन होंडा ने यहाँ पे 300cc की बाइक लाके खड़ी कर दी। लो भाई लो, तुम वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ढूंढते हो ना, लो हम लेके आएंगे। तो यहाँ पे जो है 210,000 के करीब आई थिंक ये ऑन रोड आएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। तो यहाँ पे होंडा जैसी जो बाइक्स हैं वो आई थिंक होंडा जापानी कंपनी है, सो इन जैसी जो कोई बाइक्स है कोई बना भी नहीं सकता, और इस प्राइस में भी मिल जाए तो फिर क्या ही कहना। सो होंडा CB300F ये जो बाइक है लॉन्च कर दी गई है। 1,70,000 इसके एक शोरूम प्राइस है। जब ये डिसकंटिन्यू हुई थी लाइक अभी OBD2 में लॉन्च हुई है, लेकिन इससे पहले जो मॉडल आता था वो जो है डिसकंटिन्यू कर दिया था, एंड काफी सारे लोग इसको ढूंढ रहे थे, बट अब जो है फाइनली वो लोग इसको ले सकते हैं। ये वर्थ इट प्रोडक्ट जो है ना वो मैं बोल सकता हूँ इसको। फीचर्स की बात करूं तो फ्रंट में USD सस्पेंशन, LED हेडलाइट एंड जो है ड्यूअल चैनल ABS आपको मिलेगा यहाँ पे जो फ्रंट में। 273mm का आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। उसके अलावा जो है गोल्डन कलर की USD सस्पेंशन आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। बाकी जो है तीन कलर है, ये ब्लू कलर है, रेड कलर एंड जो है एक ब्लैक कलर है, या फिर बोलो वो ग्रे कलर। सो तीन कलर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ओवरऑल जो बाइक है ना वो काफी मस्कुलर दिखती है। कुछ लोग बोलेंगे हॉर्नेट है, बट भाई हॉर्नेट नहीं है, ये जो है काफी डिफरेंट दिखती है। वैसे हॉर्नेट भी लॉन्च कर दी थी रिसेंटली इन्होंने OBD2 में, लेकिन अभी जो अपनी CB300F भी कर दी, CB200X भी जो आने वाली है। सो ये जो बाइक है ना देखने में काफी स्पोर्टी, काफी जो है एग्रेसिव लुक है इसका, और हॉर्नेट के यदि आप इसके साइड में खड़े करते हो तो भाई ये जो है काफी मस्कुलर दिखती है कंपेयरिंग टू हॉर्नेट। तो अब जो है ना ये जो बाइक है ये काफी अच्छे प्राइस में लॉन्च की है, तो उस हिसाब से मैं कोई कंप्लेंट नहीं करूंगा इस बाइक पे, और ना ही कोई कंप्लेंट है, क्योंकि जिस प्राइस में अपन इस बाइक को खरीद रहे हैं भाई इतने में तो आपको लाइक जब राइड करोगे ना तो ये वसूल हो जाएंगे जब आप इसको थ्रोटल दोगे या राइड करोगे, क्योंकि जो पावर है 24.4 PS की पावर है। ये आप लोग सोच रहे हो यार ये तो लाइक 200cc बाइक भी दे देती है, बट नहीं, यहाँ पे जो है ना गेम ये है कि यार जो टॉर्क है ना वो ज्यादा है पावर से, 25.6 Nm। सो यहाँ पे जो है 25.6 Nm का जो टॉर्क है वो आपको एक अच्छा जो है ना पिकअप देगा, एंड जब आप राइड करोगे तो आपको पुल मिलेगा, लाइक आपको यहाँ पे कोई भी कमी परफॉर्मेंस में फिर नहीं लगेगी। सो ये जो टॉर्क है ना कोई और नहीं दे पाएगा इस प्राइस रेंज में, लिखवा लो, कोई और कंपनी आपको नहीं दे सकती। सो यहाँ पे ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है ना बाइक की लाजवाब है। ऑयल कूल्ड इंजन आपको मिलता है, 6 स्पीड का एक गेयरबॉक्स यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है, एंड पीछे 150 सेक्शन का टायर है। ओवरऑल जो बाइक का इंजन है वो काफी रिस्पॉन्सिव है, ऑलरेडी जो हम यूज करते आ रहे इस इंजन को। सो ये जो इंजन है काबिले तारीफ है। बस ये थोड़ी महंगी थी उस टाइम पे तो वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती थी, लेकिन अब जिस प्राइस में है ना आई थिंक आंख बंद करके ले लेनी चाहिए, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में कोई और बाइक आपको नहीं मिलेगी वो भी होंडा जैसी कंपनी की। सो आप लोग जो है गाइस बताओ मेरे को कि आप लोग इस बाइक को लेना पसंद करोगे अभी 2023 में या फिर नहीं। मैं तो यही बोलूंगा जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं कि यार ये जो बाइक है ना अब वर्थ इट हो चुकी है। मतलब 170,000 यार, मतलब किसे कहते हैं 170,000। इसमें जो है ना मैंने R15 ली थी एक टाइम पे, तो सोचो अभी ये 300cc की बाइक मिल रही है जिसके अंदर फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल है, जिसके अंदर ढेर सारे आपको नए फीचर्स देखने मिलेंगे। सो ओवरऑल जो है ना बाइक अब वैल्यू फॉर मनी हो चुकी है। अब इसका डिटेल रिव्यू जो है मैं जल्दी लेके आऊंगा, उसके लिए आप लोग वेट करना। सो फिलहाल जो है आपको यही एक छोटा सा अपडेट देना था कि जो बाइक है वो दोबारा से इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, एंड आप लोग जो अभी इसको परचेज कर सकते हो, बुक करा सकते हो, बुकिंग्स वगैरह ओपन है, डीलरशिप पे आप जाके बुकिंग करा सकते हो। बाकी गाइस ये तो कुछ आज की वीडियो में, बाकी जाते जाते एग्जॉस्ट साउंड सुन लो ताकि आपके कोई डाउट ना रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जॉस्ट एंड सुनो आप। सो आई थिंक जो साउंड है वो काफी बढ़िया है, और ऑन रोड इस प्राइस की लाइक इस बाइक की कीमत अब काफी कम हो गई है। सो आप लोग जाओ यार जल्दी से बुक कराओ, बाइक जो है सीरियसली वर्थ इट है। मतलब आप लोग जो है ना चाहे मार्केट में कहीं पे भी चले जाओ, लेकिन यार इस जैसी बाइक आई डोंट थिंक इंडियन मार्केट में अभी अवेलेबल है। तो चलो यार ये तो कुछ आज की वीडियो में, भी कोई भी आपके डाउट्स है तो नीचे कमेंट करो, रिप्लाई सभी का मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।